जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से अभी ऑफिशियल साइट पर एक नोटिस जारी की गई है और यहां पर चयन प्रक्रिया यानी भर्ती को ही निरस्त कर दिया गया है। चलिए देखते हैं दोस्त कौन सी भर्ती है। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी छोटी बड़ी अपडेट के लिए। दोस्त, जैसे ही आप यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, आपको यहां पर आज की डेट में एक नोटिस यानी कि 7 अक्टूबर को नोटिस दिख जाएगी और इसमें बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 18/5/2016 सीधी भर्ती सामान्य चयन के अंतर्गत शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश राजकीय पॉलिटेक्निक कैंपस कानपुर के नियंत्रणाधीन विज्ञप्ति कमर्शियल असिस्टेंट के एक पद व आर्टिस्ट ग्राफिक्स के एक पद यानी कि टोटल 2 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उपयुक्त क्रम में अध्याचनकर्ता विभाग द्वारा अपने प्रपत्र संख्या 2015-14 जनवरी 2023 के माध्यम से उक्त विज्ञप्ति पदों की आवश्यकता न होने की दशा में चयन कार्यवाही निरस्त करते हुए पूर्व में प्रेषित अध्याचन को वापस किए जाने का अनुरोध किया गया है। अध्याचनकर्ता विभाग के अनुरोध के क्रम में आयोग द्वारा उक्त पदों का अध्याचन वापस करते हुए चयन प्रक्रिया को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर भर्ती यानी कि चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। यहाँ पर जो भी लोग फॉर्म डाले होंगे, यहाँ पर आपके लिए दुखद खबर है। अतः कमर्शियल आर्टिस्ट व आर्टिस्ट ग्राफिक्स के पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त पदों के सापेक्ष चयन कार्यवाही अध्याचनकर्ता विभाग के अनुरोध पर निरस्त कर दी गई है। ठीक है, तो वैकेंसी कौन सी है आपने यहाँ पर देख लिया। विज्ञापन संख्या 18/5/2016 है, इसको फाइनली विज्ञप्ति यानी कि भर्ती को निरस्त कर दी गई है। चलिए, और भी कोई ऐसी अपडेट आती है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से तो हम आपको ज़रूर देंगे। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जो भी दोस्त, बहुत सारे लोग यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड के बारे में बार बार कमेंट कर रहे हैं कि इसका क्या हुआ, तो इसका मेडिकल होना है लेकिन मेडिकल से संबंधित अभी कोई भी जानकारी निकल के नहीं आ रही है कि मेडिकल कब तक होगा, लेकिन यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि नवंबर में मेडिकल होने की संभावना है। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल नहीं होगा, पेट एग्ज़ाम के बाद ही यहाँ पर मेडिकल शुरू हो सकता है। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी आपको ज़रूर दी जाएगी, तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। फॉरेस्ट गार्ड मेडिकल नवंबर में शुरू होने की संभावना है।